बटलर ने 40 गेंदों में 64 रन बनाए और हैदराबाद के परखच्चे उड़ाए। जी हाँ, आज जब आईपीएल का 52वां मुकाबला राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच था, पिछला मुकाबला राजस्थान हार चुकी थी, तो आज राजस्थान के मन में बदले की भावना थी। राजस्थान के बल्लेबाज आज तूफान की तरह मैदान पर आए। यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर ने तूफानी पारी खेली। केवल 5वें ओवर में 54 रन पर पहला विकेट गिरा। उसके बाद में संजू सैमसन और बटलर ने तूफानी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे खास बात जोश बटलर की रही। जोश बटलर ने जिस अंदाज में आज पारी को बढ़ाया, उसने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की होश खराब कर दिए। जोश बटलर ने 59 गेंदों का सामना किया, 95 रन ठोक दिए, 10 चौके लगाए और 4 गगनचुंबी छक्के। इस दौरान जोश बटलर का स्ट्राइक रेट 161.02 का रहा। आपको बता दें कि इस हिसाब से जोश बटलर ने केवल 14 गेंदों पर 64 रन बना डाले, लेकिन उनका साथ संजू सैमसन ने भी बखूबी दिया। संजू सैमसन ने भी आज अपना शतक लगाया, लेकिन जोश बटलर ने आज किसी को नहीं बख्शा। बात चाहे अभिषेक शर्मा की करिए या फिर मयंक मार्कंडे की, मयंक मार्कंडे के तो 4 ओवर में 51 रन ठोक डाले। टी नटराजन की भी कुटाई की। मार्को जैनसन जैसे बड़े गेंदबाज के ओवर में भी 44 रन कूट दिए। भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज के ओवर में भी 44 रन लिए। कुल मिलाकर आज जोश बटलर ने किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा, हर गेंदबाज की गेंदों को लगातार बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। लेकिन आखिरकार अनुभवी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर चकमा खा गए और LBW आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले जोश बटलर राजस्थान की जीत को लगभग लगभग पक्का कर चुके थे और राजस्थान के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाने में अपनी मदद कर चुके थे। क्योंकि जोश बटलर के ये 95 रन इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पिछले कई मैचों से जोश बटलर के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ये बात कही जा रही थी कि बटलर का बल्ला शांत हो गया, लेकिन अब जब बटलर का बल्ला बोला तो ऐसा बोला कि हैदराबाद के परखच्चे उड़ गए और कोई गेंदबाज बटलर को नहीं रोक पाया। वैसे आपका बटलर की पारी पर क्या कहना है, उनकी बल्लेबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।